हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, अगर आप विंडोज 11 यूज कर रहे हैं और आपको सी ड्राइव का साइज बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, उसको एक्सटेंड करना है, वो कैसे करना है, हम लोग सभी इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। जैसे कि आपके पास सी ड्राइव के अंदर अगर स्पेस कम है और यहाँ पर आपने उस पर कुछ स्पेस और एड करना है किसी भी ड्राइव से लेकर, तो वो कैसे ऐड करना है हम लोग सब इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियो जो आप यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में कुछ किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, तो हर टाइप का आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर सो मोर ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि विंडोज 11 है तो यहाँ पर ऑप्शन भी चेंज रहेंगे। तो यहाँ पर आपको सो मोर पर क्लिक करना है, मैनेज पर क्लिक करना है। उसके बाद मैनेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये डिस्क मैनेजमेंट पर आपको ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सी ड्राइव का स्पेस क्रिएट करना है, मतलब बढ़ाना है, इसको एक्सटेंड करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हम लोगों के पास दो अनलोकेटेड स्पेस है। अगर आपके पास यहाँ स्पेस नहीं है और आपको किसी भी ड्राइव से स्पेस निकालना है, तो आपको क्या करना है, जैसे हमारे पास ये ड्राइव है, तो अगर आपके पास ऐसा सेम ड्राइव रहा और उसमें से आपको स्पेस निकालना है, तो आप उस पर राइट क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर आपको एक दो ऑप्शन मिलेंगे श्रिंक वॉल्यूम करके, तो यहाँ पर आप उस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें से आप इतना स्पेस निकाल सकते हो, आप कम ज्यादा भी निकाल सकते हो इसमें से। तो हम लोग अभी इसमें से 5 GB ही निकालेंगे उसका साइज बढ़ाने के लिए। इधर आपका अगर ज्यादा स्पेस है, आप 5 GB से ज्यादा ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप उसका साइज यहाँ पर सेट कर सकते हो उसके हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको श्रिंक कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, इधर हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर इसका स्पेस निकाल दिया है और यहाँ पर एक 29 GB का अनलोकेटेड स्पेस है। तो हम अगर ये यहाँ पर ग्रे आउट हो जाता है तब। ओके, तो फ्रेंड्स इधर आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और उसके अंदर आपको गूगल ओपन करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड। तो आपको यहाँ पर ये सर्च करना है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर पहला लिंक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको माउस लेके जाओगे इसके अंदर डाउनलोड पार्टीशन विजार्ड के ऊपर, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। फ्री वाले पर, फ्री एडिशन वाले पर क्लिक करना है। यहाँ पर इसने डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दिया है। अभी ये जो डाउनलोड होगा, ये आपके डाउनलोड फोल्डर के अंदर होगा, यहाँ पर डाउनलोड्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इधर ये यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर बोलना है। यहाँ पर आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। ओके बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान देना है एक बात का, यहाँ पर आपको ये ट्राई प्रो ट्रायल फॉर फ्री बाय डिफॉल्ट चेक मिलेगा, आपको ये चेक नहीं करना है, ये नीचे वाला आपको सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम लोग ये इस ऑप्शन को अनचेक कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग इसको नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेना है विंडोज 11 के अंदर। तो फ्रेंड्स इधर आपको ध्यान देना है कि आपका जो ये, जब आप इसको इंस्टॉल करते हो ये मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड को, तो आपका इंटरनेट होना चाहिए आपके सिस्टम के अंदर चलना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कुछ MB का फाइल डाउनलोड करेगा, उसको इंस्टॉल कर देगा। अभी यहाँ पर ये चेकबॉक्स चेक रहने देना है आपको और फिनिश बटन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स इधर ये टूल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमारा अनलोकेटेड स्पेस 15 GB है, जो वहाँ पर हम लोगों को ऐड नहीं करने दे रहा था सी ड्राइव के अंदर, बट हम लोगों को यहाँ पर उसको सी ड्राइव के अंदर ऐड करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमारा सी ड्राइव है 131 GB का है, हम लोग इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक्सटेंड का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जिस ड्राइव में से आपको वो स्पेस लेना है और यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ पर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पर जो हमारा 15 GB साइज है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसको हम लोग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इधर से। ओके, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर इसको पूरा ही ऐड कर देता हूँ, या आप यहाँ पर कम भी ऐड कर सकते हो।
फिलहाल के लिए मैं इसको पूरा ऐड कर देता हूँ और ओके बटन को क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर यस करना है। ये कुछ टाइम लेगा और यहाँ पर ये उसका स्पेस ऐड कर देगा। सो फ्रेंड्स, इधर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर उसने स्पेस ऐड कर चुका है। अब यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है, इसको बंद कर देना है आपको, यस कर देना है। तो आप यहाँ पर जाओगे वापस से सी ड्राइव के अंदर, यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर उसने 25 GB इसका साइज कर दिया है, और सॉरी 147 GB इसका साइज कर दिया है। ओके, यहाँ पर हम लोग अगर मैनेज के अंदर जाते हैं, सो मोर ऑप्शन मैनेज, यहाँ पर उसने सी ड्राइव का साइज बढ़ा दिया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। जब हम लोग डिस्क मैनेजमेंट के अंदर जाते हैं तो फ्रेंड्स, इधर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमारा जो टोटल साइज है वो इतना हो गया है सी ड्राइव का, और यहाँ पर जो हमारा फ्री स्पेस था, अनलोकेटेड स्पेस था, हम लोगों ने सब इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि विंडोज 11 के अंदर आपको सी ड्राइव का अगर साइज इंक्रीज करना है, एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, वो कैसे करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक और शेयर, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।